नमस्कार, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार, दिस इज नॉट दी फर्स्ट टाइम जहां पर मैं कन्नड़ा मूवी ट्रेलर या टीजर का रिव्यू कर रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इससे पहले भी बहुत बार कर चुका और मैं फिर दोबारा से एक ही चीज बोल दूं, कन्नड़ा इंडस्ट्री की तरफ से जो भी एक अच्छी मूवी आएगी तो मैं उसको डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा। और इसीलिए हम लोग बात करेंगे 777 चार्ली, जो की रक्षित शेट्टी की वन ऑफ दी मच 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 अवेटेड मूवीज में से एक है। और आफ्टर ASN यानी कि अवनेश श्रीमन नारायण, हिंदी में भी रक्षित शेट्टी के अच्छे खासे फैन बन चुके हैं। और उसके बाद यानी कि ASN के बाद रक्षित की पुरानी यानी कि डबरू कंडांटे या क्रिक पार्टी जैसी मूवीज ऑडियंस ने देखी है, हिंदी ऑडियंस से। इसके बाद से जो एक क्रेज बढ़ा है रक्षित का, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि रक्षित शेट्टी हमारे इंडियन सिनेमा के, नॉट ओनली सैंडलवुड, पूरे इंडियन सिनेमा के वो एक ऐसे अंडररेटेड एक्टर राइटर्स में से एक है जो हमेशा ऑडियंस को कुछ यूनिक प्रेजेंट करते हैं। और इस बार उन्होंने कुछ नया कोशिश किया है, कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, जहां पर हमें वो नजर आएंगे एक डॉग के साथ। और ह्यूमन और डॉग के बीच के रिलेशन को इससे पहले भी बहुत बार मूवीज में बता चुके। और अगर बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड में 70s और 80s में दो एक ऐसी मूवीज रिलीज हुई थी जो आज तक मेरी फेवरेट है, जैसे कि हाथी मेरे साथी और तेरे मेहरबानियां। वही मूवी ह्यूमन और डॉग के बीच के रिलेशन को इतनी अच्छी तरह से बताया थी, ऑल्दो उनका जो सब्जेक्ट था वो पूरा डिफरेंट है, लेकिन जैसे मूवी प्रोग्रेस हुई थी वैसे वैसे वो जो एक कनेक्शन आप लोग फील कर पाते हो, कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनल भी हो जाते हो। लेकिन अगर आप लोग ये बोलोगे कि भाई आप इतने सालों बाद 777 चार्ली में हमें नया क्या देखने को मिलेगा, तो देखो सबसे पहली बात तो ये कन्नड़ा मूवी है, तो ये तो पूरी तरह से आपको डिफरेंट ही देखने को मिलेगी, क्योंकि साउथ की जितनी भी मूवीज होती है उसके जो स्क्रीन प्ले होते हैं वो नेक्स्ट लेवल के होते हैं। और आज की तारीख में कोई ऐसी अंडररेटेड इंडस्ट्री है जो अलग हट के मूवीज बना रही, तो वो है सैंडलवुड, तो इसका एक पॉजिटिव मिल जाएगा। और दूसरा है इसमें रक्षित शेट्टी, जिसके बारे में आई थिंक मैंने स्टार्टिंग में बहुत कुछ बोल दिया और मुझे नहीं लगता कि इस पर और भी ज्यादा बोलना चाहिए। रक्षित शेट्टी किसी प्रोजेक्ट में हो और वो प्रोजेक्ट हटकर अलग ना हो तो ऐसा इम्पॉसिबल है, तो इसमें कुछ तो ऐसी बात होगी जो यहाँ पर हमें रक्षित शेट्टी नजर आ रहे हैं। उसके अलावा थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि भाई ये मूवी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट इस हिसाब से होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें चार्ली और धर्मा की एक ऐसी जर्नी बताएगी, एक एडवेंचरस सफर बताएगा, जहां पर शायद ये लोग किसी को ढूंढ रहे। अब वो किसको ढूंढ रहे ये तो नहीं पता, लेकिन उसको ढूंढने के लिए ये अलग अलग स्टेट्स पे जाएंगे, जैसे कि पोस्टर को देख के समझ में आता है। और वो एक ऐसी जर्नी होगी जहां पर आप लोग डेफिनेटली हंसोगे, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा और आप लोग इमोशनल इतना ज्यादा होगे कि इसका भी हमें रक्षित शेट्टी ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि जब वो इस पर्टिकुलर मूवी की डबिंग कर रहे थे तो उस डबिंग के बाद वो ऑलमोस्ट 4 घंटे रो रहे थे। तो आप लोग इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि इमोशनल का तड़का मूवी में बहुत ही दबा के देखने को मिलेगा, इतना के मैक्सिमम जो लोग है जो डॉग लवर है उनके आंखों में आंसू हो जाएंगे। और डॉग लवर के अगर आप लोग एक एनिमल लवर हो तो कहीं ना कहीं वो आप चीज फील कर पाओगे। उसके अलावा म्यूजिक की बात करूं, सिर्फ एक टीजर में जो बैकग्राउंड में जो सॉन्ग बज रहा है ना, वो इतना मेलोडियस है, इतना मतलब सोलफुल है कि आप कहां से कहां पहुंच जाओगे उस पर्टिकुलर सॉन्ग में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और उतने से एक टीजर में हमें इतनी सारी चीजें बता दी कि यू कांट वेट टू वॉच 777 चार्ली। और 777 चार्ली की खास बात मैं बता दूं कि ये एक पैन इंडिया रिलीज है, फिलहाल मलयालम और तमिल में तो डेफिनेटली ये रिलीज होगी, लेकिन हिंदी और तेलुगु के लिए अभी बात चल रही है। लेकिन मुझे पता है कि रक्षित शेट्टी को खुद ये बात पता है कि उसका जो प्रोडक्ट है 777 चार्ली वो डेफिनेटली मचाने वाला है, और ये कुछ अलग हटकर लेकर आ चुके हैं, तो इसलिए हिंदी और तेलुगु वाले भी मान जाएंगे और ये डेफिनेटली हमको देखने को मिलेगी। अब देखना ये है कि ASN वाला मैजिक रक्षित शेट्टी दोबारा से लेकर आते हैं या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।